मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन, काली मिर्च वाला। उसके लिए मैंने ये 1.5 किलो चिकन ले लिया है, जिसको मैंने धो के क्लीन करके अच्छे से रख लिया है। एक कटोरी मैंने एक बाउल दही लिया है, 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कुछ दो मैंने हरी मिर्ची फाइन चॉप कर ली है, लंबी लंबी चॉप कर ली है, और एक नींबू, और ये 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं इसके अंदर मैरिनेशन का सारा सामान डाल रही हूँ, आप देखिए क्या क्या डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप की हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, दो चम्मच नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा। एक बाउल दही, और हम इसके अंदर डालेंगे आधा नींबू। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए मिला के अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखिए, मैं ये सब कुछ चिकन में लगा के, कम से कम इसको आप अगर 3 से 4 घंटे मैरिनेट करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको जल्दबाजी है बनाने की तो कम से कम इसको आप 45 मिनट तक अच्छे से मैरिनेट कीजिए। आगे की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। ये व्हाइट चिकन बनाने के लिए मैंने इसमें मगजतरी के बीज, काजू और 2 बादाम, ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। अब मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी मिक्सर के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने काजू और बादाम को अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लिया है और उसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया है, और ये चॉप के हुए 1.5 किलो के लिए मैं बता रही हूँ। ये 5 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, इसको हम इसके अंदर थोड़ा सा सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो हमारा कलर बदल जाएगा। और हमने इसमें 1 हरी मिर्च चॉप करके डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हल्का सा, और हम इसको निकाल लेंगे। हमें इसको ज़्यादा लाल नहीं करना, अगर हम लाल कर देंगे ज़्यादा तो फिर हमारे ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा, और हमें अपने ग्रेवी का कलर वाइट ही रखना है। इसीलिए बस इसका कच्चापन हमको निकालना है, और हम इसको निकाल लेंगे बाहर। वाइट चिकन बनाने के लिए देखिए, हमने कढ़ाई में घी ले लिया है, घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले के अंदर मैंने लिया है 4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्ची, 2 मोटी वाली इलायची काली वाली, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो हमने मसाला पीसा हुआ है प्याज का, वो सारा हम इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। और इसको हम हिलाएंगे अच्छे से। हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी ग्रेवी वाइट रखनी है। देखिए, ये मैंने प्याज इसके अंदर डाल दिए, बस हम इसको थोड़ी देर ही चलाएंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसके अंदर हमारा चिकन डाल देंगे। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्याज को पहले सेक लिया था, इसलिए बस थोड़ी देर, 1-5 मिनट हम इसको बस चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारा मैरिनेट होके कैसा दिख रहा है। अब इस मैरिनेशन को हम इस प्याज के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, जिससे ये इसके अंदर भुन जाए अच्छे से चिकन।
अच्छे से हम इस चिकन को इसके अंदर भूंजेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसा लग रहा है। अब इसको हम अच्छी तरीके से इस मसाले के अंदर भूंजेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको भूंजते रहेंगे जब तक ये आजू बाजू से अपना घी ना छोड़ दे, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे और भूंजते रहेंगे। अब ये अच्छी तरीके से भून चुका है और इसने आजू बाजू से अपना सारा घी छोड़ने स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब अब ये अच्छी तरीके से भूंज गया है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, देखिए इसने आजू बाजू में सारा घी है जो है वो सब जगह से छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इसने अपने। इसका मतलब अभी अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक बाउल दही और मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ढककर। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ आप क्या करने वाली हूँ मैं इसमें। देखिए, मैंने इसके अंदर दही डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी। जब चिकन हमारा 90% पक जाएगा उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ। अब हम इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे अच्छे से। देखिए, अब हमारा चिकन इस तरीके से पक रहा है। अभी हम इसे और पकने देंगे, लेकिन इसके पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। मैंने गरम मसाला बहुत थोड़ा सा लिया है क्योंकि मुझे तीखा ज़रा कम बनाना है इसकी वजह से। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर गरम मसाला ज़्यादा या कम कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार। ये गरम मसाला मेरा घर का बना हुआ है, मैं बाहर का गरम मसाला नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आपको इस गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, तो मैं इसके साथ आगे की वीडियो में आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके साथ साथ, गरम मसाले के साथ साथ, मैं इसके अंदर बहुत थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालूँगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे भी आपको डालना है। मेरे पास कुटी हुई है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप इसके अंदर फ्रेश कूट के भी डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर अक्खी भी डाल सकते हैं, साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। मेरे पास कुटी हुई थी इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर मिक्स कर रही हूँ। अब इसको हम पकने देते हैं। आगे हम इसमें क्या डालेंगे वो आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसके अंदर जो हमने बादाम और काजू का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मिक्स कर दिया है। वो मैं 90% चिकन कुक होने के बाद इसके अंदर मिक्स करती हूँ सारा का सारा। अब हम इसको, मैंने ऑलरेडी पहले थोड़ा सा डाल दिया है, बाकी का भी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करके अब मैं थोड़ी देर और कुक करूँगी, जिसके ये डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा क्रीमी टेक्स्चर आ जाता है और बहुत रिच लुक भी आता है। और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर और क्या मिलाएंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब और काली मिर्च का पाउडर मिलाया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको पकने दूँगी। देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, कितना क्रीमी टेक्सचर है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। यम खुशबू आ रही एकदम से इसकी। अब मैं इसे वापस से पकने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। सबसे लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। मैं अमूल की फ्रेश क्रीम बना रही हूँ, आप चाहिए तो घर में मलाई भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, और अब हम इस क्रीम को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बस आप इसका टेक्सचर देखिए कितना रिच टेक्सचर आया है। ये देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर,
देखिए सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर ये एक दो खड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। बस अब हम इसको एक सेकंड के लिए रखेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। हमारा चिकन का फाइनल लुक, वाइट काली मिर्च चिकन का फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया और कितना यम्मी दिख रहा है ये। आप इसको बनाइए और बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँच जाए।